ओके सो हाय गाइस नमस्कार वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप क्या सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की ग्लोइंग मून फोटो एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं जितना बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली फिर देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज हर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस मैंने अभी रिसेंटली आप सभी के लिए कि विजय मेहर का ये वाला कॉन्सेप्ट अपलोड किया था। एंड गाइस अगर अभी तक आप सबने इस वीडियो को नहीं देखा तो भाई इस वीडियो को जरूर जाके देखना, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है वाली भी, तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को जाके जरूर देखना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करना क्या है गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन गाइस जाना आप सभी को ऐड फोटो में, एंड गाइस यहां से आप सभी को ऐड करना अपने मॉडल को। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहां पे गाइस आपको थोड़ा सा अपने मॉडल को यहां पे रोटेट कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे मैं रोटेट कर लेता हूं। एंड गाइस अगर आपका मॉडल पहले से रोटेट हो इस साइड में तो आपको रोटेट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो गाइस अभी हमें थोड़े इरेजर टूल में जाकर थोड़ा सा नीचे का एरिया में इरेज करेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी इरेज करना है एंड कुछ स्टेप्स ऐसे इरेज कर लेना है एक बारी। एंड गाइस थोड़ा सा देख लेना कि गाइस अच्छे से रेज हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपको रेज कर लेना कुछ इस टाइप से नीचे से थोड़ा थोड़ा। एंड उसके बाद आपको फिर इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा हम और रेज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे गाइस अब डन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे इतना परफेक्ट तरीके से थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं पहले इसमें, तो एडजस्ट में जाएंगे एंड इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस कम करेंगे। एंड गाइस उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा जो एडजस्टमेंट तो यार थोड़ा कॉन्ट्रास्ट हम इसका थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में तो इतना एडजस्टमेंट बहुत है, तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना आप अपने मॉडल को एंड उसके हिसाब से आप कर लेना। फिर इसके बाद गाइस आपको जाना इफेक्ट में, एंड उसके बाद जाना आपको यहाँ पे गाइस कलर्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको गाइस यहाँ पे मिलेगा एक ब्राइटनेस वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इसमें जाना है, इरेजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट करना है, फिर यहाँ पे ब्रश लेना आपको एंड इसकी जो हार्डनेस है और ओपेसिटी इसको कम कर लेना है। एंड उसके बाद आपको सिंपली कैसे कुछ स्टेप से ऐसे पेंट करना है, ठीक है, कुछ स्टेप से। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको सिंपली आप यहाँ पे डन कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है तो अब इसको हम डन करते हैं। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको अपनी फोटो को लेकर चलना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे गाइस ब्रश पे क्लिक करना है। एंड गाइस आपको ये वाला ब्रश दिखेगा गाइस ऊपर से, तो फोर्थ नंबर पे आपको उसको लेना है। एंड उसके बाद गाइस आपको साइज आप उसी अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपको फोटो को अपनी जूम करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स ऐसे पेंट करना है, यानी कि आपको एक ग्रास वाला फील देना अपनी फोटो में, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे कर लेना आपको फटाफट। एंड जो अगर ज़्यादा हो जाए तो आप यहाँ से इरेज भी कर सकते हो नीचे से कुछ स्टेप से, ठीक है। तो यहाँ से हम फटाफट कर लेते हैं। एंड गाइस जितना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डन करते हैं। अब गाइस बारी आती है हमारे मून के पीएनजी ऐड करने की, ठीक है। तो हम ऐसे चलेंगे ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से हम इस मून के पीएनजी को ऐड करेंगे। एंड गाइस ऐड करने के बाद गाइस आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आप गाइस मून को जो है गाइस किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, लाइक गाइस अभी कुछ स्टेप्स ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप रोटेट करना चाहते हो आप गाइस रोटेट भी कर सकते हो, तो गाइस हम इस डायरेक्शन में रखेंगे, आपकी मर्जी है गाइस आप जैसे मर्जी रखना चाहो वैसे रख सकते हो, ठीक है। फिर इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ पे अब गाइस यहाँ पे जाना आप सभी को ऐड फोटो में दोबारा से। तो यहाँ पे हम डन करते हैं पहले एंड चलते हैं यहाँ से दोबारा ऐड फोटो में। एंड गाइस यहाँ से ऐड करेंगे हम लाइट का पीएनजी, ठीक है। तो ताकि यार ग्लोइंग इफेक्ट इसी से आएगा ना, तो इसलिए हम जाएंगे एंड इसका ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन करेंगे। एंड गाइस उसके बाद हम अपने यहाँ पे अपनी फोटो को जूम करेंगे, ठीक है। साइज जो है गाइस ज़्यादा ही बड़ा रखना है हमें, ठीक है, कुछ इतना कुछ रखना है हमें साइज, ठीक है गाइस इतना रखना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको उसकी थोड़ा सा ओपेसिटी जो यहाँ पे कम कर लेना है। परफेक्ट गाइस अब इतना हो गया हमारा, तो अब इतना हो चुका है। तो गाइस अब क्या करेंगे यहाँ पे गाइस, अब हम इसको यहाँ पे परफेक्ट तरीके से डन कर देंगे, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे ऐड करेंगे हम थोड़े से पार्टिकल्स, तो यहाँ से ऐड फोटो में जाके हम इसको ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस हम ब्लेंडिंग मोड यहाँ पे चेंज कर लेंगे एंड स्क्रीन कर देंगे। एंड गाइस कुछ स्टेप्स हम अपने मून के आसपास ऐसे रख देंगे, तो गाइस परफेक्ट है इतना। अब गाइस हम इस मून का कर लेते हैं डुप्लीकेट, ठीक है, इस तरीके से। एंड डुप्लीकेट करने के बाद गाइस कुछ स्टेप्स ऐसे दिखेगा आपका जो है फोटो, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे कर लेना है डन। अब गाइस इसमें हम रीटच करके इस फोटो को एकदम अमेजिंग बनाने वाले हैं, तो अब इसको हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड सेव कर लिया है, अब यहाँ से हम बैक चलते हैं, लाइट रूम ऐप को ओपन करते हैं। अब गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको गाइस पहले ऑटो वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपको गाइस यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट ठीक लगती है तो आप इसको रहने देना, नहीं लगती तो गाइस आपको अंडो कर देना कुछ इस टाइप से। देन गाइस आपको फिर जाना है लाइट वाला ऑप्शन में। एंड गाइस उसके बाद आपको इसको थोड़ा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है एंड इसका जो हाईलाइट है इसको थोड़ा कम करना है। एंड जो गाइस शेडो है थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस जो वहाँ पे वाइट है गाइस आपको इसको थोड़ा सा कम करना है। एंड जो गाइस यहाँ पे ब्लैक है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको जाना है ऐसे फिर कलर्स वाले ऑप्शन में। यहाँ पे जाना आपको गाइस थोड़ी वाइब्रेशन बढ़ानी है, थोड़ा सा गाइस यहाँ पे टेम्परेचर कम करना है। फिर गाइस यहाँ पे आपको जाना कलर मिक्स में, उसके बाद ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, इसका सैचुरेशन माइनस करना है, ल्यूमिनस बढ़ा देना है,
ठीक है गाइस, इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है गाइस, यहाँ से जाना आपको डार्क ब्लू में, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए तो। फिर गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, अब गाइस यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है डन। एंड इतना हो जाने के बाद आपको कलर के नीचे वाला टूल में जाना है, फोटो की जो गाइस क्लियरिटी आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस फोटो में जो विग्नेट है उसको आपको अपने हिसाब से डाल देना है। फिर उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, आपको अभी मिला ग्रेन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद जाना आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है गाइस आपको उसको इंक्रीज कर देना है। एंड गाइस नोट ऑप्शन है जो उसको बढ़ा देना है। फिर गाइस जिसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोट ऑप्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हो गाइस हमारी जो फोटो का रिजल्ट आया गाइस वो आप सभी के सामने। तो गाइस ऐसा करता हूँ, आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी गाइस चलिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।